अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं और चश्मे पहनते हैं और ये चीज जानना चाहते हैं कि क्या आप कैबिन क्रू पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माई चैनल। तो जो सवाल है कि क्या आप कैबिन क्रू पोजिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चश्मे पहनते हैं, तो इसका जो जवाब है कि आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक एयरलाइन हो चाहे वो इंटरनेशनल एयरलाइन हो। आप दोनों एयरलाइंस में, दोनों तरह की के एयरलाइंस में अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट एयरलाइंस जो है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, वो आपको ऑन बोर्ड, यानी जब आपकी जॉब लग जाती है व्हेन यू स्टार्ट फ्लाइंग एज अ कैबिन क्रू, वो आपको ऑन बोर्ड चश्मे पहनना अलाउ नहीं करते हैं। तो इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव है कि आप लेंसेस पहन सकते हैं। अब लेंसेस के भी कुछ एयरलाइंस के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। मोस्टली एयरलाइंस के जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो होते हैं कि आप नेचुरल कलर्ड लेंसेस पहन सकते हैं। तो अगर आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप चश्मे पहनते हैं, तो इंटरव्यू वाले दिन भी आप लेंसेस पहन के जा सकते हैं। एंड अगर आपको इंटरव्यूअर ये पूछता है कि क्या आप चश्मे पहनते हैं, तो आप विदाउट एनी हेसिटेशन डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ, आप चश्मे पहनते हैं एंड इन द करंट मोमेंट आपने लेंसेज लगाए हुए हैं। आई होप इस वीडियो से आपको एयरलाइंस के आईसाइट रिक्वायरमेंट्स की क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड या कैबिन क्रू इंटरव्यू और जॉब से रिलेटेड और कोई भी क्वेरीज हो, तो प्लीज फील फ्री टू राइट टू मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू योर क्वेरीज। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को एंड शेयर कीजिएगा अगर आप जानते हो किसी को जो कैबिन क्रू बनना चाहता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।